निशर, मालेगांव शहर में एक बहुत दुख भरी घटना हुई है। मालेगांव से कुछ 35 बच्चे दाबेल गुजरात के लिए मदरसा पढ़ने जा रहे थे, जिसमें से हमारे एक मोहम्मद रेहान मोहम्मद हसन, इनकी उम्र है तकरीबन 20 साल। इन्होंने नई मस्जिद बेलबाग से हिब्ज का कोर्स किया और गुजरात ये जा रहे थे आलमियत का कोर्स करने के लिए। लग्जरी के अंदर टोटल 35 बच्चे थे जो कि बकरीद के रोज मालेगांव शहर में बकरीद की छुट्टियों के लिए आए थे और छुट्टियां मुकम्मल होने के बाद ये वापस गुजरात जा रहे थे मदरसा पढ़ने के लिए, आलमियत का कोर्स करने के लिए। रास्ते में लग्जरी का कुसुम्बा के पास लग्जरी का टायर शायद फट गया और वो टायर फटने की वजह से इनको इतनी ज़बरदस्त, बाजू में लग्जरी में बैठे हुए थे वो, तो फटका लगा कि उनके सिर में मार लगने की वजह से, पीछे सर में मार लगने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। और वहाँ से लग्जरी के अंदर वापस इनको मालेगांव लाया गया। जब यहाँ पर डॉक्टरों ने उनको देखा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो उनकी रूह परवास कर गई थी। और उसके बाद फिर उन लोगों ने रात में तकरीबन 3 बजे के करीब में सभी जिम्मेदारों ने, महल्ले के जिम्मेदारों ने सिविल हॉस्पिटल लेके आए और फज्र के बाद अभी यहाँ से कानूनी प्रोसीजर करने के बाद, पीएम पंचनामा वगैरह करने के बाद, सिटी पुलिस स्टेशन के लोगों ने इनका पंचनामा, इनकेस पंचनामा किया और करने के बाद अभी तकरीबन 8-8:30 बजे के करीब में इनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे रहे हैं और शायद 12 बजे के करीब में तदफीन का वक्त रखा गया है। 12 बजे के टाइम में इनका तदफीन का वक्त रखा गया है। तो हमारे मालेगांव शहर में ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरी बात है कि मालेगांव शहर का एक नौजवान बच्चा जो कि हाफिज़े कुरान हो गए थे और उन्होंने बाकायदा शायद नई मस्जिद में तरावी भी पढ़ाई थी और अब आलमियत का कोर्स करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी, हम सब उनके गम में, उनके घर वालों के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। हमारे बेलबाग के इलाके से मोहम्मद रेहान जो नई मस्जिद से हाफिज बने थे और दाबिल जा रहे थे अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, लेकिन बस का टायर पीछे का फट जाने की वजह से जो हालात आए और उसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, ये हमारे बेलबाग मोहल्ले के लिए बड़ी दर्दनाक बात है और हम इसमें सारे गमज़दा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उन्हें जन्नत अता करे और हम मोहल्ले वाले जो है उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के साथ शरीक रहेंगे और जो भी गम का माहौल है उसको तो हम जिस हिसाब से चाहे बदल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर क्या बेहतर हो सकता है।